राधे राधे हरे कृष्णा, आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। प्रत्येक वर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर तुलसी से जुड़े कुछ आसान उपाय जिन्हें आजमाकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को एक सर्वसिद्ध मुहूर्त माना जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर सोने चांदी की खरीदारी करना भी शुभ होता है। इसी के साथ अक्षय तृतीया पर तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में अच्छे परिणाम सुख समृद्धि आते हैं। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन आप तुलसी का नया पौधा अपने घर में ज़रूर ले आएं और अक्षय तृतीया के दिन लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। शाम के समय और ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लाभ देखने को मिलता है। अगर जीवन में धन संबंधी समस्याएं हैं, शरीर अस्वस्थ है, तो इस उपाय को करने से इन समस्याओं से निजात मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय मानी गई है और बिना तुलसी दल के उनका भोग अधूरा माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी के कुछ पत्ते भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक स्थिति में लाभ देखने को मिलता है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पत्र पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तुलसी की पूजा करें, तुलसी में जल दें, धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित करें, तुलसी माता को चुन्नी ओढ़ाएं, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर तुलसी माता के दिव्य मंत्रों का जाप अवश्य करें। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन आप तुलसी का नया पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं अक्षय तृतीया के दिन। इसके साथ ही इस दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। शाम के समय तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से, पैसों से जुड़ी कोई भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के इन उपायों को ज़रूर करें। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी आपकी हर परेशानी को दूर करेंगी। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर साल अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में बरकत होती है, धन दौलत खूब वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे को घर में ले आना भी बहुत शुभ माना जाता है। कुछ विशेष उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु लक्ष्मी जी के साथ माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जो भी व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करता है, उसके घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर आरती अवश्य करें, तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें, तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। इससे आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। विष्णु जी की पूजा और भोग
तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। जो अक्षय तृतीया के दिन नारायण की पूजा में तुलसी रखना बिल्कुल भी न भूलें। विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी के कुछ पत्ते डालने से जातक की हर इच्छा शीघ्र पूरी हो जाती है, साथ ही उनकी धन से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर होती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा काफ़ी पवित्र माना जाता है। घर या आंगन में तुलसी लगाने से आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। इसके अलावा जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन जरूर लगा लें। इससे आपके घर में साल भर माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता की पूजा करते समय इस मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए और जाप करना चाहिए। तुलसी माता में जल देते समय इस मंत्र को ध्यान करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी माता को आप चुन्नी ओढ़ाइए, रोली कुमकुम अक्षत पुष्प नैवेद्य भोग आदि चढ़ा के धूप दीप दिखा के तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी नामाष्टक मंत्र का पाठ करना चाहिए जो इस प्रकार से है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। इन नामों का पाठ तुलसी नामाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता को स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे माँ लक्ष्मी माँ तुलसी सुख सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अक्षय तृतीया को समृद्धि आशीर्वाद खुशहाली और सफलता का पर्व माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करते हैं तथा विष्णु पूजन करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विष्णु जी के साथ साथ तुलसी के पौधे का भी पूजा का खास विधान है। अगर आप इस दिन तुलसी के पौधे के कुछ सरल उपाय आजमाते हैं तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। मंदिर में अर्पित करें तुलसी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तथा मंदिर में प्रभु श्री विष्णु जी को पीले फूलों के साथ तुलसी के पत्ते चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। तुलसी की करें पूजा। वैसे तो नियमित तौर पर तुलसी पूजा करने की सलाह दी जाती है, मगर तुलसी पूजन करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन अगर आप तुलसी की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, कभी आपको जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में लगे हुए तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसकी पूजा करें। आपको खास और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्वास्तिक को सनातन धर्म में बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है तथा इसका संबंध माता लक्ष्मी से होता है। आप घर के मंदिर में पूजन के दौरान भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। विष्णु जी को प्रसाद में चढ़ाएं तुलसी। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु जी को प्रसाद चढ़ाते वक्त उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां ज़रूर मिलाएं। परंपरा है कि विष्णु जी को प्रसाद तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी की पत्तियां डाली जाती हैं। घर में लगाएं तुलसी का पौधा। मान्यता है कि हर एक हिंदू घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके घर में यह पौधा नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इससे पूरे साल आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। इसलिए ज़रूर करें अक्षय तृतीया के दिन माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा अर्चना और वंदना, क्योंकि माँ तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ पे माँ लक्ष्मी होती हैं वहीं पे भगवान विष्णु का भी वास होता है। इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और साथ में
माता तुलसी की भी पूजा करें। अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो भी आपको इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर तुलसी का एक पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का नया पौधा अक्षय तृतीया के दिन ले आने से घर में मात लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ तुलसी की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। और इस दिन आप ओम नमो तुलसी देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके उच्चारण से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर अपने घर ले आएं माँ तुलसी का पौधा और अपने घर में माँ लक्ष्मी का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और वंदना करें, ताकि साल भर आपके घर में खुशहाली और बरकत बनी रहे।